ये बर्फानी सुबह है, ठंड काफ़ी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े से होंगे। पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो आपने मुस्तफ़ा भाई के चैनल में देखा, उन्होंने जो बताया कि जो हादसे से हम लोग गुजरे, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम सब बच गए। मतलब कि मैं और मुस्तफ़ा भाई और जिस गाड़ी ने मुझे हिट किया था, मेरी गाड़ी को हिट किया था, वो पैसेंजर्स भी वहाँ पे बच गए, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। इम्पैक्ट हुआ था तो उस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी मुझे और मुस्तफ़ा भाई को बस, और उसके साथ साथ जो गाड़ी ने ऑटोमेटिकली डायल कर दिया था इमरजेंसी रिस्पांस टीम को, 911 को, तो बस 10 मिनटों के अंदर वो वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद जो है फिर पैरामेडिक्स आ गए, फायर डिपार्टमेंट वाले आ गए और पुलिस भी आ गई थी, सब ने जो है ना सिचुएशन को कंट्रोल किया। आसपास के लोग भी थे बेचारे, सब परेशान थे कि ये क्या हो गया। अल्लाह ने बुरे वक्त से बचाया है, बस जानें बच गई सबकी, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी जो गाड़ी का जो वो है, वो गाड़ी पूरी टोटल हो गई और अब वो जो है इंश्योरेंस वगैरह डील करेगी सारा कि क्या हो रहा है उसका। पर सबसे बस ये बात है कि जान है तो जान है, बस अल्लाह ने एक खराज भी नहीं आने दी। ब्रूजेस आए यहाँ पर, इम्पैक्ट मुझे लगा है और शोल्डर पर लगा है, घुटनों पर लगा है और पैर के नीचे के हिस्से में लगा है, तो वो दर्द तो है। मैं और मुस्तफ़ा भाई पेन किलर खा रहे हैं उसके लिए, और वो पेन तो रहेगा पर जाके वो भी अपना एक्सरे कराएंगे, कल मैं जाके अपना एक्सरे वगैरह कराऊंगा जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ फाइन। पर बस ये जो होना था वो हो गया। आज के दिन जो है मैं एक्चुअली उदास हूँ क्योंकि आज मुस्तफ़ा भाई जा रहे हैं और जितने दिन गुजरे हैं बहुत जल्दी गुजर गए और बहुत अच्छे गुजरे हैं, और आपने तो सब देखा होगा उनके व्लॉग्स में, मेरे व्लॉग्स में, तो अच्छा टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। फिर इंशाल्लाह आएगा अच्छा टाइम और फिर मुलाकातें होंगी। तो आज का दिन, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, लेट्स गो। अभी जो है ना मुस्तफ़ा भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं और कुछ मसरूफ़ हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि अब क्या चल रहा है, कैसी तबीयत है मुस्तफ़ा भाई? हाँ जी, पैकिंग हो गई? पैकिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। रात में मैंने कर ली थी पैकिंग और इसके बाद बस फिर मैं दवाइयां शवाया खा के सो गया था, क्योंकि आज जो है ना मैंने बोला कि आज के दिन में पैकिंग नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और मैंने देखा कि आज खाना कम खा रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि सफर से पहले यार दिल तो नहीं करता, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है एहतियात करनी पड़ती है, भूख भी लगी होती है, लेकिन सफर से पहले जो है ना मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कम खाए, क्योंकि फिर आपको होता है वॉशरूम्स वगैरह का यहाँ पे इन मुल्कों में बड़ा मसला होता है, पानी शानी होता नहीं है, वो तो बस थोड़ा एहतियात। मैंने मतलब इनको बहुत फोर्स किया था कि भाई ये कुछ स्नैक्स ले लें या कुछ फ्रूट्स खा लें, पर इन्होंने कहा कि भाई नहीं, मुझे जो है ना सफ़र के टाइम पे, एक्चुअली मैं भी इनसे यही लर्न कर रहा हूँ कि जब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो पेट को हल्का रखें। नहीं, मैंने अपने लिए ये ले लिया ना, मैं ये खाऊंगा पूरा रास्ता। ये बिल्लियों को दिख रहा है कि पाकिस्तान की पसलियां भी चेक कराएं, पूरा मतलब थॉरो एक्सरे करा लें। यहाँ पे हाथ रखता हूँ ना, ये ब्रूज है, पसलियों में भी पड़ा है। हाँ, पसलियों में कोई हुआ है इफेक्ट, पर ये कि अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह ताला, मैं उसमें दुआ करता हूँ कि हम लोगों की एक्सरे रिपोर्ट्स भी सही आए इंशाल्लाह। और आप तो फौरन जाके कराइएगा। बिल्कुल, जाते हैं, साथ ही कराना है। बाय द वे, ये मैंने बिल्लियों के लिए लिया है, उनका फेवरेट ये ट्रीट है। मैं भी शायद कुछ इसमें से दे दूँ मुस्तफ़ा भाई को, पाकिस्तान में कुछ बिल्लियाँ हैं आपकी, आप उनको खिलाइएगा। सही बात है। तो चले, अब जो है ना नेक्स्ट ये होगा कि अब खाना भी अब हल्का खा रहे हैं, तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि क्या करना चाहिए, अब आपको आगे लेके चलते हैं। भाई मुस्तफ़ा भाई ने तो कहा है कि वो बहुत लाइट खाना खाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने जो है ना उनके लिए चिकन शामी कबाब जो है ना वो तैयार कर दिए, वो उनको पसंद भी हैं और वो बस इसको खाएंगे और ये लाइट थोड़ा जो है ना खुराक रखेंगे वो अपनी, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग बहुत लंबी है, तो वो कह रहे हैं कि ज़रा सा ओवर ईटिंग और खाना वगैरह जो है ना वो ज़रा परहेज़ करेंगे, तो उसके हिसाब से ये जो है ना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा और उनको पसंद भी आएगा, लाइट भी है काफ़ी। भाई देखिए मुस्तफ़ा भाई जो है ना अभी ये फाइनल पैकिंग कर रहे हैं, पर ये फाइनल पैकिंग हमेशा एंड तक चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, फाइनल पैकिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती है भाई, आखिरी आखिर तक देखना पड़ता है कि कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे, कुछ तो नहीं है, बस चल रहा है। हम सब के साथ ऐसा ही होता है, ऐसे ही एंड तक चलती रहती है, अल्लाह करे वेट से ज़्यादा ना हो। कितना किलो होता है? 50 किलो वाला होता है ना? 50 किलो टोटल, हाँ 25 किलो 25 किलो 25 किलो 25 किलो, तो अल्लाह करे बस एक्सीड ना हो। दो बैग है हमारे पास, सारा गेम इसी का है इंशाल्लाह। अभी जो है डिनर के लिए हमने खाना बाहर से ऑर्डर कराया है, तो अब उसका वेट हो रहा है। अभी भूख की लेवल क्या है आपकी, बताइए? भूख की लेवल ये है कि 50% भूख लगी हुई है अभी मुझे, मेरा एप्पल खाया तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं, बट आमिर भाई को ज़्यादा भूख लगी हुई है। मुझे 100% भूख लगी है, तो अभी बस वेट कर रहे हैं, बस कितने चंद मिनट में आ जाएगा शायद, 20 मिनट्स। चलें 20 मिनट में वेट करते हैं थोड़ा सा और। अब मैं पहले मूँगफलियाँ खाना चाह रहा था, अब वो मैंने बंद कर दिया खाना, तो वेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो आ गया है, ये है
ग्रिल चिकन राइस, उसके साथ ये पीटा ब्रेड और हमस सैलड, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट है। और बिस्मिल्लाह करते हैं। मुसवा भाई, आपको कैसा लगा? बेहतरीन है। हाँ, ये बहुत मज़े का होता है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मज़े का है। और जब भूख लग रही होती है तो और भी टेस्ट जो है ना मज़े का हो जाता है, पर ये वाकई में बहुत मज़े का है। और हमस मुझे वैसे भी पसंद है, तो वो भी मैं खाऊंगा। तो चलें हम लोग खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह बाद में बातें करते हैं। भाई सोच रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ छोड़ने मतलब भाई को। तो अभी एक सूटकेस आ गया इनका और दूसरा सूटकेस भी आ रहा है, फिर हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। मुसवा भाई आ गए, लेट्स गो। भाई मुसवा भाई निकल पड़े हैं हम लोग। हाँ जी, सफ़र स्टार्ट हो गया मेरा यहाँ से। सफ़र स्टार्ट हो गया और इनका बहुत लंबा सफ़र है, तो अल्लाह ताला खैरियत से इनको पहुँचा दे कराची अपने घर में। अभी भी लोग जा रहे हैं काम पे, इक्का दुक्का ज़्यादा नहीं है गाड़ियाँ, क्योंकि अभी मुश्किल से 4 बजे हैं। गाड़ी पार्क कर दी है, अब जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। मेरे पास एक सूटकेस है मुसफा भाई का और दूसरा सूटकेस जो है वो यहाँ पे। इंशाल्लाह अभी चलने भी ज़रा मुश्किल हो रही है क्योंकि पैर में जो ब्रूस लगा है ना, तो पूरी मूवमेंट सही से नहीं हो रही है, पर इंशाल्लाह खैर टाइम पे पहुँच गए। अभी चेक इन जाएंगे और बैगेज वगैरह रजिस्ट्रेशन पे छोड़ कर आएंगे वहाँ से। अभी अराइवल पे हैं, हम लोगों को अपर लेवल पे जाना है, अभी लोअर लेवल पे हैं। ये सीधा जो है ना एयरफील्ड ऑब्जर्वेटरी, इसके ऊपर जाना है। भाई हम लोग जेट ब्लू के उस पर आ गए हैं काउंटर पे और यहाँ पे जाके चेक इन करेंगे और ये बैगेज को यहाँ पे छोड़ देंगे। मुसा भाई क्या लग रहा है कि सूट केसेस जो हैं आपके बिल्कुल सही होंगे? मुझे हमेशा डाउट रहता है यार, मुझे लग रहा है एक बैग भारी है और अच्छा उसके अंदर जगह ही नहीं है दूसरे में कि मैं कुछ डालूं, तो बस अच्छा। अल्लाह करे कि बस कौन सा वाला भारी लग रहा है मेरे को, तो अभी नींद में कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वाला हाँ। मतलब फुल है, इसमें और कुछ डालने की जगह नहीं है। अच्छा लेट्स सी क्या होता है। हां कोई बात नहीं, मैं भी हूं यहां पे, अगर कोई सामान इससे भी ज्यादा भारी होगा तो फिर वापस हो जाएगा। होपफुली इसी में एडजस्ट हो जाएगा तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो चलें चल के देखते हैं, पता चल जाएगा कभी किस देर के बाद। अरे मुसवा भाई ये याद है किसने दिया था गिफ्ट? ये आप उनसे सवाल पूछे हैं सबसे, अपनी ऑडियंस है, आप नहीं बताइएगा कि आप ऑडियंस ही बताइए कि ये कहाँ से मिला था इनको। नहीं बताया ना, खामोश है। खामोश चले सही है। चले भाई वजन भी बहुत कम था, 43 पाउंड और 42.5 पाउंड। ये बैगेज का है, कीप दिस। भाई मैं उदास भी हूँ और उसके साथ साथ खुश भी हूँ क्योंकि मुसवा भाई जाके अपनी फैमिली के साथ मिलेंगे और फिर उनको बहुत सारे व्लॉग्स बनाने आपके लिए, तो अल्लाह ताला खैरियत से इनको पहुँचाए अपनी मंजिल पे, अपने घर पे कराची में इंशाल्लाह। तो प्लीज़ रबते में रहिएगा। ज़रूर आपका तो मतलब नहीं, अबू धाबी भी है स्टे और फिर जे एफ के में भी इंशाल्लाह आपको जाना बताता रहूंगा कि कहाँ कहाँ कब कब पहुँचाऊँ मैं। जे एफ के में ज़्यादा स्टे है ना आपका? जे एफ के में तकरीबन 6-7 घंटे का स्टे, मुझे समझ नहीं आ रहा टाइम कैसे गुजरेगा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह गुजर जाएगा वक्त। तो इसके साथ जो है आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और मुसवा भाई को भी, और फिर इंशाल्लाह बात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।